मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर, राइट, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनके ऊपर हम लोग एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं, राइट। और फिर इसमें जो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको पता ही है कि एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल जे बाय एनी का डेरिवेशन है, राइट, जो करंट डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वगैरह पे कैसे डिपेंडेंट है। दूसरा यहाँ पे रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, जो उसका डेरिवेशन है वो काफी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई दफे देखा गया है कि एग्जाम में आते हुए, तो वो भी हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना है। देन इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, राइट। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे जो आपका बैलेंस ब्रिज है, जिसमें आपका जिसके ऊपर मीटर ब्रिज बेस्ड होता है, दैट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो रिलेशन है वो निकालना है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ में यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के ऊपर भी वर्कआउट कर लेंगे, ताकि जो है पूरा एक जगह पे पूरे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सारा डेरिवेशन आपके सामने आ जाएगा। ये सारे डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूसली एग्जाम्स में आते रहते हैं इस चैप्टर के, राइट। साथ में मैं कहता ही रहता हूं कि भाई कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग एक तैयारी तो है ही, लेकिन ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर पहले से आपकी एक कमांड होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। समझदारी का मतलब क्या हो गया कि पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर कट फॉर्म में एस्टैब्लिश्ड होने चाहिए विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, घर में तो आप देखते ही हैं, तो ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है उसके ऊपर भी आपकी काफी अच्छी एक जो है जो एक कमांड होनी चाहिए, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और एक एक करके सारे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं कहता ही रहता हूं कि भाई कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबाइए, ताकि आपके पास जो भी नए वीडियो लेक्चर्स हम लोग अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, और अपने फ्रेंड सर्कल में और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनको भी हमारे इस काम से बेनिफिट हो सकता है, उनको जरूर से हमारे पूरे इस काम के बारे में बताइए, ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके, राइट। ओके, बढ़ते हैं आगे। उसका एक डेरिवेशन है, उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है जिसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या है, वो देखिए। दिस ड्रिफ्ट स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, और ये ड्रिफ्ट स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू करंट डेंसिटी जे डिवाइडेड बाय एन इनटू ई, स्मॉल एन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर है, ई यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी इक्वल टू जे डिवाइडेड बाय एन ई। तो इसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, ये आपका बोर्ड में डेरिवेशन आता रहता है या आ सकता है, तो हम लोग इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर में है, जो आप दिख रहा है, जिसके क्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, इस जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हो गई है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है आप देख रहे हैं राइट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है, राइट। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में कैपिटल एन है। ध्यान दीजिए, स्मॉल एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर में ले लेता हूँ, राइट। अब आपको पता ही है कि करंट आई क्या हुआ, करंट आई होता है क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू हो गई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि करंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में। तो हम लोग आई को क्या लिख देंगे, यू डिवाइडेड बाय टी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय टी, राइट। सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि आई इक्वल टू क्यू बाय टी लेते हैं, क्यू हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइड बाय टी, राइट। अब हम लोग इस टी की वैल्यू निकालते हैं, सपोज मैं इस कंडक्टर की लेंथ एल ले लेता हूं, ठीक है। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी वीडी से चल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो
इस लेंथ L को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू L विल बी इक्वल टू VD इनटू T, तो T की वैल्यू किसके को लिख देंगे, L डिवाइड बाय VD, तो इस T की जगह मैं प्लेस कर दूंगा L डिवाइड बाय VD, इक्वल टू L बाय VD की वैल्यू मैं यहां प्लेस कर देता हूं। जब आपने प्लेस कर दिया T की वैल्यू L अपॉन VD, देन द करंट I विल कम आउट एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग इन द करंट, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, E is the electronic charge, VD is the drift velocity and L is the length of the conductor. तो अब हम लोग इसको current density के term में यदि लिखना चाहते हैं तो दोनों sides cross-sectional area जो इस conductor का है उससे divide कर देते हैं। यदि मैं दोनों side cross-sectional area से divide कर दूंगा तो इस side हो जाएगा I by A, और जैसा कि हमें पता है कि I by A जो होता है current density J के equal होता है, right? तो मैं I by A को J लिख दूंगा, और इधर हो जाएगा N divide by A into L. A into L, that is the volume of the conductor. The total number of electrons divided by volume of the conductor will be the number of electrons per unit volume, जिसको हम लोग small n से denote कर देंगे, right? अब देखिए, दोनों side हमने A से divide कर दिया, cross-sectional area of the conductor से divide कर दिया, I by A will become the current density. Total number of electrons divided by A into L. This A into L is known as volume of the conductor. A is the cross-sectional area of the conductor and L is the length of the conductor. So this one is the N upon AL. That means N upon V. This term is known as number of electrons per unit volume. Right? Jo ki small n ke equal hai. So main is pure term ko capital N divided by AL ko small n se replace kar dunga. So hamare paas kya aajega? J will be equal to N into E into VD and hence VD will come out J divided by NE. Right? Is tarike se humne is relation ko डिराइव कर लिया जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, कैपिटल एन डिवाइड बाय एल, दिस वाज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि स्मॉल एन है, इसको हमने स्मॉल एन से रिप्लेस कर दिया। I by A in known as J, so this relation will come out J equal to N E VD, and hence VD will come out J divided by N E. So this is the way to derive the relation. Drift speed will be equal to current density divided by number of electrons per unit volume into electronic charge. ये derivation काफी important है board के point of view से. Normally ये derivation 2 marks में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये drift velocity जो होती है due to the application of the electric field in the conductor, जिसकी वजह से हमारे को करंट मिलता है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड, और ये वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट ऑब्जर्व करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली किसी न किसी सेशन में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे वीडियोज को लाइक करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को बताइए डेफिनेटली हमारे चैनल के बारे में, ताकि उनको भी हमारे काम से मदद मिल सके। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हम लोग इस सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट डेरिवेशन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये जो डेरिवेशन है और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई दफे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। हमारा ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है किसी भी कंडक्टर की, वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इट विल बी इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाय एन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसकी डेरिवेशन पूछी भी जाती है बोर्ड के पेपर में। यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टॉ इज कॉल्ड द कोलिजन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम, एन इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहली बात क्या है जिससे आप अवेयर नहीं है, वो यहाँ पे टॉ है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या फिर कोलिजन टाइम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली कोलाइड करता रहता है जो फिक्स्ड आयंस होते हैं। कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम को एग्जैक्टली जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज कोलिजन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम, राइट। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखेंगे कि ये कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम जितना ही ज्यादा होगा,
इलेक्ट्रॉन्स का, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी किसी भी कंडक्टर की। जैसा कि इस एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा है कि सिग्मा जितना ज्यादा होगा वो तभी पॉसिबल है जब टाउ भी ज्यादा होगा। अब पॉइंट आता क्या है कि कोलिजन टाइम हम लोग कैसे ज्यादा कर सकते हैं। कोलिजन टाइम हम लोग ज्यादा कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से थर्मल एनर्जी रिड्यूस करती है इलेक्ट्रॉन की, जिससे कि जो फ्रीक्वेंट कोलिजन हो रहे थे फिक्स्ड आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन के, वो रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, कोलिजन टाइम एक तरह से इंक्रीज कर जाएगा, और यदि कोलिजन टाइम इंक्रीज कर जाएगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर के डिक्रीज करने के साथ कंडक्टिविटी एक कंडक्टर की जो इंक्रीज करती है, और यदि कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो रेसिस्टिविटी जो है डिक्रीज कर जाती है, और रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इस रिलेशन को डिराइव करने जा रहे हैं जो कि कंडक्टिविटी को रिलेट कर रहा है आपका रिलैक्सेशन टाइम या कोलिजन टाइम से। तब कैसे करेंगे, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है Vd will be equal to J divided by Ne होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था, जहां पे J होती है करंट डेंसिटी, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और E होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो मैं सबसे पहले वो लिख देता हूं क्योंकि वहीं से इस डेरिवेशन को हम लोग लेके आ सकते हैं। तो अब हमने J को भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया था, और ये ओम्स लॉ है, J विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू E, क्योंकि यह वहीं से सिग्मा वाली बात यहाँ पे कंडक्टिविटी वाली बात आएगी, तो J विल बी इक्वल टू सिग्मा E, राइट। तो इसको हम लोग लिख देते हैं J विल बी इक्वल टू सिग्मा E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी होगी ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम। तो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कोलिजन टाइम टॉम। अब ये एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, तो E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज द फोर्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन, राइट, डिवाइड बाय m, m इज कॉल्ड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, ee डिवाइड बाय m, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आ गई ee बाय m इनटू tau, राइट। अब इस वैल्यू को मैं यहां प्लेस कर देता हूं। जब आपने vd की वैल्यू यहां पे प्लेस करा ee बाय m इनटू tau, तो ये चीज आ गया, देख रहे हैं आप, ये एक्सप्रेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड कैंसल आउट कर दीजिए, राइट। तो इसको हम लोग कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो गया। तो जब आप इसको लिखेंगे तो सिग्मा कितना आ जाएगा, सिग्मा विल कम आउट n इनटू e, इस साइड आएगा और सिग्मा आ जाएगा n e स्क्वायर tau डिवाइडेड बाय m, राइट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ गई n e स्क्वायर tau डिवाइडेड बाय m, राइट। तो ये भी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो इस डेरिवेशन को ध्यान में रखना है आपको। साथ में ये माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देता है कंडक्टिविटी किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है एक कंडक्टर के। अब जैसा कि पता है कि कंडक्टिविटी जो होती है इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी होती है, तो रेसिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, सिग्मा को आप लोग लिख दीजिएगा 1 बाय रो। जब सिग्मा की जगह 1 बाय रो लिख देंगे तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m divided by n e square tau, right? तो इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यहां पे डिस्कस किया है, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो यहां पे बात करने जा रहे हैं यहां पे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ, राइट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ के बारे में, और इसमें भी आपका दो कॉम्बिनेशन है, स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन लेते हैं, बाकी उसका मिक्सिंग ऑफ हो ही जाता है। तो एक तो कॉम्बिनेशन आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का है, और दूसरा आपका यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि भाई कि ये जो सेल्स का ईएमएफ का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा। रेसिस्टेंस जैसा ही होता है, आपको ये पता ही है कि भाई कि एक जैसे बैटरी ले आ जाए
तो एक बैटरी जो है उसकी ईएमएफई और इंटरेस्टेंस आर होती है, राइट, ये पॉइंट है। अब सपोज मैं दो बैटरी ले लेता हूं, दो से शुरू करते हैं हम लोग, और इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए, इसकी ईएमएफई वन है, इंटरेस्टेंस आर वन, इसकी ईएमएफई टू है, इंटरेस्टेंस आर टू है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन आपका कहलाएगा यहां पर बेसिकली आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमारा पर्पस क्या होता है कि इफेक्टिव ईएमएफ निकालना होता है, हमारा जो पर्पस होता है वो यहां पे इफेक्टिव ईएमएफ निकालने का होता है। अब उसका मतलब क्या है, इसका तो ये है कि यदि मैं इसी को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल बैटरी से प्लेस कर दूं जिसकी ईएमएफई और इंटरेस्टेंस आर हो, तो करंट जो ड्रॉ किया जाएगा बैटरी से, इस कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से या इससे, दोनों सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब यदि मैं करंट आई यहां से ले रहा हूं इस कॉम्बिनेशन से, तो इसके थ्रू भी आई की वैल्यू वही रहे, ये बात यहां पे ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों सेम होगा। तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है वो होता है ई माइनस आई आर। If the battery, this battery is called the discharging battery. A discharging battery के केस में जो potential difference हम लोग लेते हैं E minus IR होता है, where E is the EMF of the battery and small R is the internal resistance, right? हम लोग potential difference कैसे calculate करेंगे उसके ऊपर मैं discuss करूंगा। अभी आप इस बात को ध्यान में रखें कि एक discharging battery के cross का potential difference जो होता है E minus IR होता है, और charging battery के cross का potential difference E plus IR होता है। Charging मतलब current in कर रहा है, इसमें हम लोग करंट ड्रॉ करें इस बैटरी से, दैट्स व्हाई द बेसिकली दिस बैटरी इज डिस्चार्जिंग बैटरी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन विल बी, सिंपल सी बात है, ई माइनस आई आर, राइट। ये पॉइंट है यहां पे। अब ध्यान से सुनिए बात को यहां पे। अब इस केस में यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए इसका भी करंट आई, यहां पे भी करंट है, इससे यहां से करंट आई जा रहा है, ये समझिए बात को, यहां से करंट आई जा रहा है। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू, यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो E1, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस IR1, इसके क्रॉस E2 माइनस IR2, बिकॉज दिस होल पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। ये भी बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ये भी बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसके क्रॉस का बी वन हो गया ई वन माइनस IR1, इसके क्रॉस हो जाएगा ई टू माइनस IR2। तो मैं V को लिख देता हूं V1 plus V2, समझिए बात को, V1 plus V2, इसके क्रॉस भी V1, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V2, करंट I जा रही है, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो E1 minus IR1, राइट, इसके क्रॉस E2 minus IR2, राइट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, इसको E1 plus E2, E1 plus E2 minus IR1 plus R2, राइट। अब कंपेयर कीजिए इसके साथ, इसके साथ कंपेयर कीजिए, ये आखिर आपका E है, ये आखिर आपका R है, दैट मीन्स इस कॉम्बिनेशन को यदि मैं एक सिंगल बैटरी से प्लेस करता हूं, तो उस कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक सिंगल बैटरी होगी जिसकी ई एम एफ ई के इक्वल है, तो ई विल बी इक्वल टू ई वन प्लस ई टू एंड इंटरेस्टेंस आर विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये बारी बात है। तो दिस इज द वे टू प्रूव द होल रिजल्ट कि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन होएगा तो हम लोग ई, सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट बैटरी यदि हमें निकालना है तो उसका ईएमएफ ई जो होगा इंडिविजुअल बैटरी के ईएमएफ को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। पोलैरिटी का ध्यान में रखना है, इसका मतलब क्या होता है वो अभी समझ में आ जाएगा आपको, बट इंटरेस्टेंस आर जो बनेगा उस इक्विवेलेंट बैटरी का, वो सिंपल सी बात है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का, इंडिविजुअल जो इंटरेस्टेंस उसको सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, राइट। तो E इक्वल टू E1 प्लस E2, R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। अब सपोज हमारे पास दो बैटरी है जिसको पैरेलली मैंने कनेक्ट कर दिया। आपको मैं बता दूं कि आपके घर में बैटरी हो ना तो कैसे कनेक्ट करते हैं, आप जो टॉर्च में यूज करते हैं उसको कनेक्ट कीजिए सीरीज में, आप पैरेलल में, टॉर्च में जो बैटरी रहती है ना, तीन या दो बैटरी या चार बैटरी, जो वो सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, राइट। अब पैरेलल में देखिए, यहां पे पैरेलल में देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है, कम से कम दो बैटरी होगा ही होगा, इसकी ईएमएफ ई वन है, इंटरेस्टेंस आर वन, ईएमएफ ई टू, इंटरेस्टेंस आर टू। अब इसका इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है, तो एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर रहे ई आर, करंट यहां से आई, तो इसमें भी यहां से करंट आई होगा, इसका भी करंट यहां से आई आएगा, इधर से करंट आई वन, दिस वन इज करंट आई टू, तो दिस वन इज आई,
और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इसके क्रॉस भी V ही रहेगा और इसके क्रॉस भी V ही रहेगा, दैट मीन V दिस बी V E माइनस आई आर, ये भी होगा E1 माइनस आई आर वन, दिस वन इज E2 माइनस आई आर टू एंड I विल रिमेन सेम। तो ध्यान से सुनिए बात को, ये I की जो वैल्यू होगी I1 प्लस I2 होगी, I1 प्लस I2, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, यहां से I क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ये आ गया एक बात, और यहां से I जब निकालेंगे तो I आएगा यहां से निकालने के बाद E माइनस V बाय R, E माइनस V बाय R, करिए ना देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो E माइनस V बाय R इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहां बताइए I1 कितना होगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, सिमिलर वे में देखिए समझिए बात को, E1 माइनस V डिवाइड बाय R1, V विल बी इक्वल टू E1 माइनस आई आर वन, V विल बी इक्वल टू E1 माइनस आई आर वन, V विल बी इक्वल टू E1 माइनस आई आर वन, E1 माइनस आई वन आर वन, तो यहां से I1 कितना हो जाएगा, E1 माइनस V बाय R1। इन द सिमिलर वे I2, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझिए बात को, E2 माइनस V बाय R2, होगा ही नहीं होगा। अब देखिए यहां से I की वैल्यू E माइनस V बाय R है, I1 I2 की वैल्यू यहां प्लेस कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, यू विल गेट द इक्विवेलेंट ईएमएफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करिए, करके दिखाता हूं मैं आपको, अभी पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, ये मैं हटा देता हूं, अब इसकी तो जरूरत है नहीं, ये मैं हटा देता हूं, अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, समझिए बात को, ध्यान दीजिए यहां पे, E माइनस V बाय R विल बी इक्वल टू I1 की जगह पे E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, राइट, इसको मैं लिख सकता हूं E बाय R माइनस V बाय R, इसको मैं लिख सकता हूं E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, एक जगह कर दिया E1 बाय R1, माइनस इसको कर ही देते हैं, पूरा कर देते हैं, माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बताइए। अब देखिए फिर से आगे इसको हटा दिया जाए, समझिए बात को, तो E बाय R माइनस V बाय R, इसको जी और इसको एक साथ लिख देते हैं, तो E1 by R1 plus E2 by R2, इससे और इससे V निकाल लेते हैं, तो माइनस V बाहर किया, 1 by R1 plus 1 by R2। अब कंपैरिजन कर लीजिए, E by R will be this one, 1 by R will be this one, मतलब V by R will be this one, तो हम लोग इससे कहेंगे कि E by R will be equal to E1 by R1 plus E2 by R2, वहीं पे 1 by R by comparison this and this will be equal to 1 by R1 plus R2, समझिए यही तो आ गया, this one is the equivalent resistance of the battery 1 by R, R is the equivalent resistance, so 1 by R will come out 1 by R1 plus 1 by R2, E is the effective EMF of the battery which is nothing but E by R will be equal to E1 by R1 plus E2 by R2, मैं E को लिख सकता हूं यहां पे एक तरह से E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2, divided by, क्योंकि इस R को मैं basically यहां ले जा करके लिख सकता हूं इस तरीके से, समझिए बात को, right, ये ध्यान दीजिए यहां पे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको हटा देता हूं मैं, इस पूरे रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, बेसिक मैथ्स लगाया हूं मैं, E into 1 by R will give E by R, तो this result will be written as E will be equal to E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R, अब 1 by R इसके equal है, तो it will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2, this one is the final formula for the equivalent EMF, this one is the basically interactions of the कंबाइंड इंटरेस्टेंस, जो कंबाइंड बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रही है उसकी इंटरेस्टेंस जो बनेगी 1 बाय आर विल बी इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2, जहां पे आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस है, ई इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, समझिए बात को, सारी बातों को फॉलो कीजिए ध्यान से, राइट, ये पॉइंट है यहां पे, इस तरीके से यहां पे काम किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, राइट,
ऑलरेडी करंट के ऊपर हमने कई सारे वीडियो प्लेस कर रखा है, यदि वो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप देख लीजिए। उन सारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया किरचॉफ्स लॉ के ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ के ऊपर वगैरह, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया, राइट। ये काफी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर से, और एग्जाम के साथ साथ मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि फिजिकल कॉन्सेप्ट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे टेक्नोलॉजी में अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जाके उसे जरूर देखिए, राइट। अच्छा, साथ में मैंने क्या किया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करी गई है, उस लिंक के थ्रू आप जो है क्लास ट्वेल्थ से रिलेटेड जो आपके बोर्ड एग्जाम्स रिलेटेड जो अभी हैं उससे रिलेटेड कई सारे लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं, वो लिंक जैसे ही आप बेसिकली क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली प्ले लिस्ट पर पहुंच जाएंगे, जिससे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको जो है उन वीडियो लेक्चर से मदद मिल सकती है, राइट। साथ में जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए भी कई सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्लास टेंथ के लिए भी हैं, तो जो भी आपको जरूरत है, जैसे भी है, दूसरों को जरूरत है उनको बताइए हमारे काम के बारे में, ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके, ताकि हमारी मेहनत जो है सक्सेसफुल हो सके, सार्थक हो सके, राइट। नेक्स्ट अब बात यहां पर की है कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, अब करंट के ऊपर, और करंट के ऊपर अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मैं इस सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें आपका क्या क्या बात होगा, हमारा एक बैलेंस ब्रिज है जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स होते हैं, उसी से रिलेटेड एक मीटर ब्रिज है, राइट, उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ में पोटेंशियोमीटर के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और एक बात काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें कि कंप्लीट जो है पूरे फिजिक्स की 4 घंटे में 6 घंटे पूरी रिवाइज करा दी गई है, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी रिविजन दी गई है, रिविजन क्या, पूरे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, 4 घंटे के अंदर आप पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं, तो उन सारे वीडियो लेक्चर्स को जाकर के देखिए, राइट। और उसके सारे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, उसे जरूर से उसे एक क्लिक कीजिए और उन सारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यह क्या है भाई कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मतलब पर्टिकुलर तरीके से हम लोग रेजिस्टर को कंबाइन करते हैं और एक ब्रिज बनाते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या है ये, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये रेसिस्टेंस और पांचवा ये रेसिस्टेंस, राइट। इसका नाम दे देते हैं R1, R2, R3, R4, अब बीच में गैल्वेनोमीटर भी लगा देते हैं यहाँ पे G, और इस रेसिस्टेंस का नाम G दे देते हैं। अब क्या करते हैं भाई कि इसे एक साथ में बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया जाए, बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी की EMF ये इंटरेस्टेंस R ले लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को एक बैलेंस ब्रिज कहते हैं, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, और इसका बैलेंस कंडीशन क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करना चाहिए, समझिए बात को, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करना चाहिए। गैल्वेनोमीटर की यूटिलिटी क्या होती है, गैल्वेनोमीटर यूज करा जाता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर, करंट नहीं मेजर करता है, करंट मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एमीटर, और गैल्वेनोमीटर से हम लोग एमीटर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ये है कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और यदि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा दे, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करे, इसका मतलब कि इस आर्म से कोई भी करंट पास ना करे, इस आर्म से कोई भी करंट पास ना करे, तो हम लोग यही कहेंगे कि एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज है। और इस, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि भाई किसका कुछ एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा बिटवीन R1, R2, R3 एंड R4, यदि वो रिलेशन सेटिस्फाई होएगा बाय दीज 4 रेसिस्टेंस, तभी जाकर के ये जो ब्रिज आपको देख रहा है वो बैलेंस होएगा, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। और ये रिलेशन जो आपका होता है वो होता है यहाँ पे R1/R2=R3/R4, समझिए बात को, R1/R2=R3/R4, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R3, ये R3 इधर चला जाएगा, R2 इधर चला जाएगा, तो R1/R3=R2/R4, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आमने सामने का, दैट मींस R1/R4, इन दोनों के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, इन दोनों के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। यदि ये कंडीशन हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, और ये कहा जाएगा कि ये ब्रिज बेसिकली बैलेंस है, ऐसे ब्रिज को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट, आप समझिए कि इसकी टेक्निकल एप्लीकेशन है, एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन है। होता क्या है, इसमें से यदि ऐसा हो जाए, ऐसा कंडीशन हम लोग ले आए एक्सपेरिमेंटली, तो 3 रेसिस्टेंस यदि पता हो
तो चौथे रेशियोज को बड़े आराम से निकाला जा सकता है। और यही काम हम लोग मीटर ब्रिज में करते हैं। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फिट स्टोन ब्रिज। सपोज ये रेशियंस पता है, ये रेशियंस पता है, ये अननोन रेशियंस तो और ये रेशियंस पता है, तो हम लोग आर थ्री बड़े आराम से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स से जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज ये रेशियंस आपका 10 ओम का है, ये 10 ओम ले लेते हैं जी, ये 20 ओम ले लेते हैं। अब कहा गया कि ये 40 ओम है, तो बताइए कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बहुत आसान है, 10 बाय 20 विल बी इक्वल टू आर 3 बाय 40 एंड फ्रॉम दिस आर 3 यू विल गेट 20 ओम। बहुत आसान सी बात है, तो इसे आर 3 की वैल्यू आ गई एंड दैट आर 3 विल कम आउट 20 ओम। तो यही काम होता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं होती है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसी सेशन के अंदर। राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब यह है कि ये रिलेशन कैसे डिराइव होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस रिलेशन के डेरिवेशन के ऊपर जाते हैं। राइट, और कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, तब तक हम लोग ये वाली बात जो है ना, ये हम लोग 40 ओम ये सब हटा देते हैं, पर्टिकुलर सब वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, समझिए बात को। अब मैं ले लेता हूं सपोज यहां से करंट I1 + I2। राइट, ये करंट ले लेते हैं और इधर से करंट ले लेते हैं जी I1, और इधर से करंट यहां पे ले लिया जाए I2। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं कर रही है, नहीं पास कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई कि पहले ही मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं कर रही है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत मैं आपको आसान प्रोसीजर बता रहा हूं। तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करके हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो करंट I1 यहां से गया जी, चूंकि इससे पास नहीं कर रहा है तो करंट I1 इधर से निकल जाएगा, बट एंड ऑब्वियस है। अब ये करंट I2 है, इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं पास कर रहा, तो इधर से I2 चला गया। अब ध्यान से समझिए बात को, इसमें मैं बेसिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस लूप। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैंने पिछले लेक्चर्स में समझा रखा है, उस सारे लेक्चर को देखिए, उसकी अप्लीकेशन समझाई गई है, सारी कॉन्सेप्ट्स को समझिए, देखिए लेक्चर को और उसे वर्कआउट कीजिए। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगा, ध्यान दीजिए। मैं ऐसे जा रहा हूं, फिर ऐसे जा रहा हूं, फिर ऐसे जा रहा हूं। अब कहेंगे भाई कि इसे तो कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हम लोग यहाँ पे KVL लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल फॉर द क्लोज लूप, जहां से चले वहीं लौट के आइए, भले हो सकता है किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास ना करें, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट, तो इसमें यदि आप KVL लगाएंगे तो इट विल कम आउट -I1R1 इसके थ्रू 0 +I2R2 विल बी इक्वल टू 0 -I1R1 + I2R2 इक्वल टू 0। समझिए बात को, -I1R1 इसके थ्रू कुछ भी नहीं है, तो इसको हटा दिया, जी तो है बट करंट पास नहीं कर रहा, तो जी इंटू 0 डेट विल बी 0 +I2R2 ये लिख दिया हमने, और इसके बेसिस पे हम लोग लिख देंगे I1R1 इक्वल टू I2R2 फ्रॉम दिस I1 / I2 विल कम आउट R2 / R1। तो I1 / I2 यहां से आ गया। अब इन द सिमिलर वे इसमें KVL लगा दीजिए, इस लूप में, जब इस लूप में लगाएंगे तो -I1R3 + I2R4 + 0, क्योंकि इससे कोई करंट तो जा नहीं रहा, दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन अप्लाइंग इन दिस लूप KVL, इस लूप में अप्लाई कीजिए KVL, तो इक्वेशन क्या बनेगा, -I1R3 राइट, -I1R3 + I2R4 इक्वल टू 0। ये वाली बात हो गई। अब यहां से भी वही बात लिखेंगे यहां पे कि भाई कि I1R3 विल बी इक्वल टू I2R4 एंड I1 / I2 विल कम आउट R4 / R3 यूजिंग दिस इक्वेशन। I1 / I2 विल बी इक्वल टू R4 / R3 आएगा नहीं आएगा बताइए, I1 / I2 विल बी इक्वल टू R4 / R3 ये होगा ही नहीं होगा बताइए। अब ध्यान से देखिए ये इक्वेशन जी, इस इक्वेशन को देखिए, ये भी I1 / I2 R2 / R1, ये I1 / I2 R4 / R3, तो यूजिंग दिस टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट R2 / R1 विल कम आउट R4 / R3। इसी का रेसिप्रोकल ले लीजिए, R1 / R2 इक्वल टू R3 / R4 ऐसे कर लीजिए, R2 / R3 इक्वल टू R1 / R4 जैसे लिखना है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज द वे टू डिराइव दिस कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डिराइव किया गया काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना है। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए सब लोग, ये इस तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं, एक आर ले लीजिए, इसको एस ले लीजिए, और नीचे एक बेसिकली पोटेंशियोमीटर वायर तो नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, नीचे एक 1 मीटर का वायर होता है ये, जिसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कॉन्स्टेंट होती है, 1 मीटर का वायर होता है, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज मीटर ब्रिज,
1 मीटर का वायर होता है और ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस, अब सपोज मैं रेजिस्टेंस एस को निकालना चाहता हूं, यही अननोन रेजिस्टेंस है। इसके बीच में क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर के साथ लगा दिया, ये जॉकी होता है जी, जॉकी जी कहते हैं इसको, और यहां से एक बैटरी लग गई। बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किया है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो पता चल जाएगा आपको, राइट। अब इस जॉकी जे को अलोंग दिस वायर, जो 1 मीटर का जो ये वायर दिखाया ना आपको, यूनिफॉर्म वायर, इसके अलोंग डिस्प्लेस करते हैं, और डिस्प्लेस करके एक ऐसा पॉइंट लेके आते हैं वायर पे जिससे कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना करे। जब ऐसा हो जाए तो यही बैलेंस कंडीशन है, यही बैलेंस कंडीशन है। और यदि ऐसा है तो लेट्स से दिस वन इज एल सेंटीमीटर, तो ये एल सेंटीमीटर होगा तो ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर टोटल वायर का लेंथ है, 1 मीटर का वायर है ना जी, तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो गया। दिस वन इज एल सेंटीमीटर, कब, जब बैलेंस कंडीशन है, जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं कर रही है, और ये 100 माइनस एल हो गया जी। यदि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्बडा है, यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस लैम्बडा के इक्वल है, अब वायर यूनिफॉर्म है, लैम्बडा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, लैम्बडा इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इसका कितना रेजिस्टेंस हो गया लैम्बडा एल, लेट्स से 2 ओम पर सेंटीमीटर है, अब 10 सेंटीमीटर ये है तो 20 ओम ही तो होगा, समझ रहे हैं बात को, तो ये हो गया लैम्बडा एल, और ये बताइए कितना हो जाएगा लैम्बडा इंटू 100 माइनस एल। सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस लैम्बडा हो तो यूनिटरी मेथड से एल लेंथ का कितना हो जाएगा लैम्बडा एल हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा लैम्बडा इनटू 100 माइनस एल हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ओम पर सेंटीमीटर में, यदि ये मीटर में रहा, लेंथ दे रखा है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और ओम पर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो जब ऐसा आएगा तो देखिए अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बन गया है, कैसे बन गया बैलेंस ब्रिज, अभी जो बात हुई थी, राइट, ये रेजिस्टेंस आर है, ये एस है, ये गैल्वेनोमीटर है जी, ये लैम्बडा एल, अदिशोनी लैम्बडा 100 माइनस एल होगा ही नहीं होगा, अब क्या करेंगे आर बाय लैम्बडा एल विल बी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनटू 100 माइनस एल। अभी जो हमने डिस्कस किया था बैलेंस कंडीशन के लिए, यहां से बैटरी लगी हुई है जी इन दो जगहों के बीच में, दिख ही रहा है आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा R by lambda L will be equal to, क्या लिखेंगे बताइए, S by lambda into 100 minus L, lambda lambda क्या हो गया जी, कट गया, यहां से हमारे पास S की वैल्यू आ गई, क्या आ जाएगी 100 minus L divided by L into R, आएगा नहीं आएगा 100 minus L डिवाइड बाय एल इंटू आर, ये वाली बात आ गई। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द मीटर ब्रिज, और आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे हमारे पास क्या आ गया अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू आ गई, राइट। या फिर यदि एस दे रखा है आर निकालना है तब भी निकाला जा सकता है, तो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द मीटर ब्रिज, इसी को कहते हैं मीटर ब्रिज। अब जो डिस्कशन होना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल द बेसिकली पोटेंशियोमीटर, और ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, और ये हमारे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का भी पार्ट है। इसमें क्या होता है, इस टॉपिक के थ्रू आप ये समझ पाते हैं कि बैटरी की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करना शुरू करें, तो मेरे साथ बने रहिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स को आप थॉरली समझ पाएं। उसके पहले मैं ये बताते ही रहता हूं कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को हमारे वर्क हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके, और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन के लिए, लाइक जैसे आप यदि इंजीनियरिंग एंट्रेंस जेई मेन जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए पूरा लेक्चर सीरीज बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, उसको क्लिक कीजिए और सारे लेक्चर्स को देखिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, इस तरह से क्लास 12th क्लास 11th एंड नीट की प्रिपरेशन में है, तो सारे आप देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है।
हर टॉपिक से रिलेटेड। और यदि कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो मेरे पास आता है हमारे पास, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट भी करते हैं। राइट, बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे पोटेंशियोमीटर। राइट, अब देखें यहाँ पे, अब पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल मेजर करने वाला, पोटेंशियो पोटेंशियल से आया, मीटर मेजरमेंट, तो यही काम है। पोटेंशियोमीटर का यूज ही होता है यहां पे बैटरी की ईएमएफ निकालने के लिए एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी निकालने के लिए। और साथ में हम लोग ईएमएफ को, दो तीन बैटरी यदि दे रखी है, चार बैटरी दे रखी है, उसके ईएमएफ को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज होता है। अब पॉइंट ये कि पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है, तो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पोटेंशियोमीटर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट समझेंगे। यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट आप समझ जाते हैं तो वही बेसिकली यहां पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब बात आती है भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब होता है कि पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ चेंज करना, उसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इट इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी एक्स लिखते हैं, उसी तरह से पोटेंशियल डीवी बाई डी एक्स, डीवी इज द वेलोसिटी एंड डी एक्स इज द डिस्टेंस, तो डीवी बाई डी एक्स इट इज कॉल्ड द बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट डीपी बाई डी एक्स लिखते ही लिखते हैं, मतलब उस प्रेशर का डिस्टेंस के साथ क्या करना, चेंज करना। उसी तरह से यहां पे वेलोसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ दैट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग नॉर्मली जो लिखते हैं वो डीवी बाय डीएल, और कई जगह पे के से डिनोट किया जाता है डीवी बाय डीएल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होती है, तो कॉन्सेप्ट वही एक तरह से है। हम लोग यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को आप समझें कि इस टर्म में लिख रहे हैं, पोटेंशियोमीटर के टर्म को समझने के लिए यूज कर रहे हैं। राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको मैं नॉर्मली के से डिनोट किया हुआ हूं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स से यदि हो सकता है पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट भी रहे और वेरिएबल भी रहे। यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट है तो उस केस में आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को सिंपल सी बात है वी बाय एल भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। जनरल डिफरेंस नहीं होता है डीवी बाय डीएल का। राइट, और ये के यहां पे डीवी बाय डीएल के इक्वल है, ये के यहां पे वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। सपोज मैंने इसको कांस्टेंट ले लिया, यदि मैं कांस्टेंट ले लेता हूं तो उस केस में मैं लिख सकता हूं डीवी इक्वल टू के डीएल, और इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आ गया वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये डीवी का मतलब क्या, बी वन माइनस बी टू, बी टू वन जो भी है, बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और डीएल का इंटीग्रेशन जीरो से एल तक करते हैं तो एल आ जाएगा, तो के इंटू एल दैट मीन के विल बी इक्वल टू वी बाय एल। राइट, ये के वी बाय एल तब लिखेंगे जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो, के की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो। तो नॉर्मली जिस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे और ज्यादातर केसेस में यही ऑब्जर्व किया जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, अदरवाइज जनरल डेफिनेशन ये होती है, ये बात समझने वाली बात है। राइट, और अभी हम लोग यही समझ रहे हैं, अभी हम लोग जितने भी वर्कआउट करेंगे उसमें हम लोग यही कहेंगे कि वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कॉन्स्टेंट है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में सिंपल सी बात है वी बाय एल लिख दिया करेंगे। राइट, अब जैसे देखिए समझिए बात को, सपोज एक वायर है ये, राइट, और इस वायर की लेंथ ले लेते हैं हम लोग 50 सेंटीमीटर। अब हमने एक पोटेंशियल ड्रॉप कर लगा दिया जी, प्लस माइनस लेट से इसको हम लोग ले लेते 50 वोल्ट, ये ले लिया, तो इस वायर के क्रॉस 50 वोल्ट है। चूंकि ये वायर यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये बोला गया है जनरली यूनिफॉर्म वायर में ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कॉन्स्टेंट लेके काम करते हैं, या कहा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि इस वायर का जो, इस वायर के यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस पर होगा वो 50 डिवाइड बाई 50, दैट मीन्स 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर तब लिखा जाएगा जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कॉन्स्टेंट हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो अब यहां पे कहेगा कि 10 सेंटीमीटर वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जी, तो सिंपल सी बात है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 वोल्ट आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वहां पे आ जाएगा 20 वोल्ट। राइट, तो ये फायदा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू के, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ
स्मॉल एल विल बी इक्वल टू सिंपली के इन टू एल, जो कि यहां से भी देख सकते हैं वी इक्वल टू के इन टू एल। मेरी बात समझ रहे, वी इक्वल टू के इन टू एल। तो ये पॉइंट है यहां पे, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू के इक्वल है और ये वायर यदि यूनिफॉर्म दे रखा हो तो लेंथ एल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा के इंटू एल, के इंटू एल, दैट विल बी द वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दैट विल बी टेकन एज कॉन्स्टेंट। वायर यूनिफॉर्म है तो लेंथ एल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बेसिकली के इंटू एल। अब क्या होता है कि यदि ऐसा होगा तो सपोज मैं एक ग्राफ बनाता हूं वी वर्सेस एल का, एक वायर का, कि एक वायर यूनिफॉर्म है जी, और कहा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस के वी वर्सेस एल का ग्राफ बनाइए। तो यदि ये ग्राफ बनाते हैं तो ये जो स्लोप है वो के इक्वल होगा, यहां पर यह थीटा है, लेट्स से दिस वन इज थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई जी, के इक्वल। तो हम लोग कहेंगे यहां पे कि जो स्लोप ऑफ द लाइन होगा यदि कोई वायर दे रखा है, उस वायर का के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से वी है और लेंथ एल ले लेते हैं जो वेरिएबल है, तो यहां पे यदि वी वर्सेस एल का ग्राफ बनाते हैं, वी जहां पे मैंने वाई एक्सिस पे रखा है, एल को एक्स एक्सिस पे रखा है, तो वाई इक्वल टू के इन टू एक्स हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा, राइट। और उस केस में इस ग्राफ का जो स्लोप होगा टैन थीटा, दैट विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू। तो सपोज मैं दो ग्राफ दे रखा हूं दो अलग अलग वायर के लिए, और कहा जाएगा किस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी का होगा। मतलब क्या हुआ जी कि सपोज मैं दो वायर ले लिया, एक वायर ले लिया, एक वायर ये ले लिया, वी वर्सेस एल का ये ग्राफ है, तो ऊपर वाले वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा और नीचे वाले वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। ये पॉइंट है और ये सारी डिस्कशन तब है जब वायर यूनिफॉर्म हो, बार बार कह रहा हूं मैं, पोटेंशियोमीटर में हम लोग यही कहते हैं कि वायर बेसिकली यूनिफॉर्म होती है, राइट। तो अब ये वाली बात तो हो गई भाई कि यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग अब पोटेंशियोमीटर के बारे में समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर आखिर जो है बेसिकली कैसे काम करता है और कैसे ये ईएमएफ को मेजर करता है, कैसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को मेजर करता है, राइट। तो सबसे पहले मैं एक पोटेंशियोमीटर का मैं एक खाका तैयार, कैसा सर्किट होता है वो मैं तैयार कर देता हूं और उसको हम लोग समझते हैं। अब तो यहां ध्यान दीजिएगा, अब सपोज एक बैटरी होती है जी, ये इसको नॉर्मली हम लोग वर्किंग बैटरी कहते हैं, राइट, ये तो लगा ही रहेगा और नीचे एक वायर होगा, नीचे एक वायर होगा, वायर की लेंथ कुछ भी हो सकते हैं, मीटर भी, ये वायर मैंने यूनिफॉर्म वायर बना दिया, ये यूनिफॉर्म वायर है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, राइट। ये वर्किंग बैटरी इसको नॉर्मली कहा जाता है, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे, ये तो लगा ही रहेगा वर्किंग बैटरी की, कुछ भी पोटेंशियल ये ले लीजिए ईएमएफ इसका कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। और ये एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, राइट, और ये यूनिफॉर्म वायर के जैसे मीटर बीच में जनरली एक मीटर होता है लेंथ, लेकिन पोटेंशियोमीटर में जरूरी नहीं कि एक मीटर ही हो, ये दो मीटर भी, चार मीटर भी, पांच मीटर भी लंबे वायर होते हैं नॉर्मली, राइट। ये पॉइंट है। अब देखिए, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो ए है, पॉइंट ए इस वायर का, वो अपर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, पॉइंट बी लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड, मतलब पॉइंट ए का अपर पोटेंशियल है, लार्जर पोटेंशियल है, पॉइंट बी का लोअर पोटेंशियल है। अब आप जिस बैटरी का ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं या दो बैटरी आपको दे रखा है उसका ईएमएफ को आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए बात को, यहां लीजिए और इस ईएमएफ ई, लेट्स से इसकी ईएमएफ ई वन ले लेते हैं, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन ले लेते हैं और यहां से गैल्वेनोमीटर लगाई जाती है और ये जॉकी जे होता है, ये जॉकी जे होता है, समझिए बात को, जॉकी जे, ये सर्किट होती है बेसिकली यहां पे पोटेंशियोमीटर की, ये होती है सर्किट पोटेंशियोमीटर की। मैंने ये सर्किट जो है एनसीईआरटी का जो सर्किट है वो यही है, तो ये मैंने सर्किट आपके सामने बना दिया है और यही सर्किट जो है यूज करी जाती है ईएमएफ को निकालने के लिए। अब जिस बैटरी की ये, मतलब एक बैटरी हमने लिया जिसका ईएमएफ ई वन है, उसकी इंटरनेशनल आर वन लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर है और ये काम हो गया। अब क्या होगा, नॉर्मली ये काम एक तरह से समझें कि भाई कि यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अब यहां पे ये आखिर दो पार्ट में ये पूरा सर्किट कनेक्टेड है,
ये दो पार्ट पे कनेक्टेड है। सपोज ये यहां तक है तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसकी कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं, आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर्किट को। यदि इस वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और ये सपोज लेंथ यहां पे स्मॉल एल है तो ये हो जाएगा लैम्डा एल, एंड बाकी यदि ये लेंथ जो भी है रिमेनिंग लेंथ उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेजिस्टेंस लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के लिए वाली रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब ये नॉर्मल सर्किट है, इसमें कोई दिक्कत की बात, जैसे आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे आप इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। लेकिन पोटेंशियोमीटर में जैसे नॉर्मल सर्किट समझ ना, किरचॉफ्स लॉ में जैसे यहां से करंट आई लिया, इधर से आई वन चला गया, इधर से आई टू चला गया, ये सब सारी बात होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन लाना होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन कैसे डिफाइन होता है समझिए बात को। बैलेंस कंडीशन क्या होता है कि जॉकी जे को इस पोटेंशियोमीटर जो वायर है इसके अलोंग आप आगे पीछे करेंगे, मतलब इसको डिस्प्लेस करेंगे, जॉकी जे को मूव कराएंगे इसके ऊपर, और एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर पे जॉकी जे का जिससे कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हो, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना करे। अब पॉसिबल है ये पॉसिबल है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए पॉसिबल है, हमेशा नहीं होगा बट पर्टिकुलर अरेंजमेंट लेंगे तो पॉसिबल है कि इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करे। आप कहेंगे भाई बैटरी लगी हुई तो डेफिनेटली करंट पास करता है, ये जरूरी नहीं है कि जहां भी बैटरी लगी रहेगी तो डेफिनेटली करंट पास करेगा, ये भी जरूरी नहीं है, और जहां पे रेजिस्टेंस रहेगी तो उसमें करंट डेफिनेटली पास करेगा, ये भी जरूरी नहीं है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखिए यहां पे तो जॉकी जे का एक ऐसा पोजिशन इस वायर पे आएगा जिससे कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं पास करेगी, दैट मींस गैल्वेनोमीटर विल गिव द नल डिफ्लेक्शन। जब ऐसा हो कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा हो तभी हम लोग कहेंगे कि यहां से इस ब्रांच से कोई भी करंट नहीं पास करेगी, और इसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। और यदि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करे तो इसका मतलब इससे कोई करंट नहीं आ रही होगी, इसका मतलब यहां पे करंट एक्चुअली डिवाइड ही नहीं हो रहा है, यहां पे करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है, एट बैलेंस कंडीशन। देखिए यहां पे यदि मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहां से करंट आई जाएगी, यहां से गई आई, इधर से आई वन चली गई, इधर से आई टू चली गई, फिर यहां से आई टू आई, फिर इधर से आई वन प्लस आई टू वही आई बन गई। ये अभी बैलेंस नहीं है, ये वाला केस बैलेंस नहीं है। बट यदि ऐसा हो कि करंट आई यहां से चले, एक ऐसे पोजिशन ऑफ जॉकी जे के लिए यहां से करंट आई और इधर से ही करंट आई निकल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए बात को। ये करंट आई इसका मतलब यहां पे एक्चुअली डिवाइड ही ना करे, और ये पॉसिबल है पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ ईएमएफ और इस बैटरी और वगैरह के लिए पॉसिबल है, तो यही कहलाता है बैलेंस कंडीशन। अब इसका कहेंगे फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है, यही फायदा करता है हमारे को इसकी ईएमएफ निकालने के लिए, इसकी ईएमएफ निकालने के लिए। समझिए बात को, मेरी बात समझे। यदि मैं इसमें अब ध्यान सुनिए बात को, अब मैं यदि कहूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंपल सी बात है ई वन है, पोटेंशियल डिफरेंस ई वन है, क्योंकि इससे होकर कोई करंट पास नहीं कर रहा है ना इंटरवल। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी होता है ई माइनस आई आर, तो चूंकि करंट इसे पास नहीं कर रहा है तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है बट करंट इससे पास ही नहीं कर रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दीज टू पॉइंट बिटवीन ए एंड जे, सिंपल सी बात है E1, और ये E1 जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस का और इसके इस वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है, तो ऑब्वियस बात है इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इस वायर पोटेंशियोमीटर को वायर में यदि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू के है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट की वैल्यू के है तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यदि ये लेंथ L1 में ले लेता हूं यहां से यहां तक का, तो के इंटू L1, दिस के इंटू L1 विल बी सिंपली E1, दिस के इंटू L1 विल बी सिंपली E1। समझिए बात को, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस E1, क्योंकि इधर से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है जी, ठीक है, बैलेंस कंडीशन है, ये भी बैलेंस कंडीशन नहीं है, I2 वैल्यू जीरो है यहां पे, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इस बैटरी की EMF E1 होगी, तो E1 इट विल बी इक्वल टू के इंटू L1, वेयर के इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है, दैट विल बी कॉन्स्टेंट बिकॉज ये वायर यूनिफॉर्म है, तो के इंटू L1 विल बी इक्वल टू E1। ये पॉइंट है यहां पे। अब यहां पे बात आती है
कि ये किया तो के वैल्यू पता चल जाए तो मैं E1 निकाल सकता हूं क्योंकि L1 एक्सपेरिमेंटली निकल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहां पे ये है कि K की वैल्यू यदि ना भी पता हो तब भी करा जा सकता है। दूसरा एक और बैटरी ले लेते हैं और उस बैटरी में यहां पे जो E1 लगाया था ना, E1 की जगह पे आप एक दूसरी बैटरी E2 इंटरनेशनल R2 लगा दीजिए, E2 और R2 लगा दीजिए, समझिए बात को, E2 और R2। अब दोबारा जॉकी जे को डिस्प्लेस कीजिए। अब जब जॉकी जे को डिस्प्लेस करेंगे तो उस सिचुएशन में एक नया पोजीशन जॉकी जे का हो सकता है आ जाए। लेट से ये आ गया जी, लेंथ इसकी हो गई L2, तो इस केस में E2 की वैल्यू K × L2 हो गई, E2 की वैल्यू K × L2 हो गई। अब E1/E2 इक्वल टू L1/L2, E1/E2 इक्वल टू क्या हो गया जी, L1/L2। बिल्कुल सिमिलर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। अब यहां पे जो पहले E1 R1 लगा हुआ था, एक दूसरी बैटरी E2 R2 लगा दीजिए और फिर जॉकी जे को दोबारा डिस्प्लेस कीजिए। जब जॉकी जे को दोबारा डिस्प्लेस करेंगे तो एक ऐसा पोजीशन दोबारा पोटेंशियोमीटर वायर पे आएगा जहां पे इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, मतलब दोबारा बैलेंस कंडीशन रीच करेगा। इसका मतलब इसके क्रॉस का ईएमएफ E2 है और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस K × L2 होगा, तो E2 विल बी इक्वल टू K × L2। कंपेयर करेंगे या फिर आप रेशियो लेंगे तो K कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा कि भाई कि इसमें तीन वैल्यू, दो वैल्यू तो L1 L2 एक्सपेरिमेंटली आ गया, L1 L2 एक्सपेरिमेंटली आ गया। इसमें E1 दे रखा होगा तो E2 पता चल गया जी, या E2 दे रखा होगा तो E1 पता चल जाएगा। इसमें से एक बैटरी को स्टैंडर्ड EMF कहते हैं जिसकी वैल्यू नोन होती है, तो अननोन जो EMF है वो पता चल जाएगा। अब आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि भाई K कैसे सेम रहेगा, आपके दिमाग में यही बात आएगी ना कि K कैसे सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ये सेम कैसे होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ यहां पे बैलेंस कंडीशन के केस में सेम रहेगा। अब समझिए इस बात को क्यों सेम रहेगा, ध्यान दीजिए। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या हुआ जी कि यहां से करंट आई 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 इसी के अंदर घूम रही है, इधर से तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है, करंट तो इसी के अंदर है। बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में के की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ की वैल्यू इस वायर के लिए सेम रहेगी क्योंकि करंट यहां पे इस गैल्वेनोमीटर इधर से तो नीचे वाला सर्किट से कोई करंट ही नहीं जा रहा, नीचे वाला सर्किट एक तरह से एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा, इफेक्ट ही नहीं कर रहा ऊपर वाले सर्किट को एट द टाइम ऑफ द बैलेंस कंडीशन। तो क्या हो रहा है भाई कि आई तो वही रहेगा ना, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस वही रहेगी, करंट ऐसे जा रहा है, बैलेंस कंडीशन में केवल ऊपर ऊपर ही करंट है, इसी के अंदर है, इसको आप तो चेंज नहीं कर रहे इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को, ना इस बैटरी को चेंज करना, इसकी रेजिस्टेंस चेंज करना, ये वायर की रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, तो ये जो है बेसिकली इसके अंदर करंट आई की वैल्यू वही रहेगी एट द टाइम ऑफ द बैलेंस कंडीशन। यदि करंट आई वही रहेगा तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। अब जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ भी वही रहेगा, लेकिन ये बैलेंस कंडीशन पे होगा और कहीं नहीं होगा। यदि बैलेंस कंडीशन नहीं है, जब ऐसा सिचुएशन हो तब तो बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज कर जाएगा जिसमें करंट आई टू नीचे से जा रहा है, लेकिन यदि करंट आई टू नीचे से ना जाए और आई ऐसे ही रहे तो इसमें जब केवीएल लगाएंगे नीचे का सर्किट कुछ भी हो, आई विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लोअर वन, इस रेजिस्टेंस से या इसके कॉन्फ़िगरेशन से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो जब इस वायर के से पास करता हूं करंट आई वही हमेशा है, तो इसका मतलब इस वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा यहां से यहां इसके क्रॉस का, जो आप ये देख रहे हैं वायर पोटेंशियोमीटर वायर का, और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू भी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होने जा रही है, इसलिए हमने के की वैल्यू वही रखा है। राइट, ये पॉइंट है यहां पे, मेरी बात समझे आप। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ईएमएफ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब इसी सर्किट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाता है, समझिए मेरी बात को, बिल्कुल सेम बात है। इसमें क्या होगा जी कि दो बैटरी लग गई है E1 R1। राइट, यहां पे एक स्विच होगा S1, नीचे बैटरी एक होगी, यहां से ये स्विच S1 हो गया, ये स्विच S2 ले लीजिए, E2 R2 ये है। अब क्या है कि पहले कहा जाएगा स्विच S1 को बंद कर दिया गया और S2 ओपन है, समझिए मेरी बात को, S1 को बंद कर दिया गया, S2 ओपन है, जब S2 ओपन होगा तो नीचे E2 R2 का कोई मायने ही नहीं है, तो वही बात हो गई जो पहले कंडीशन में लिया था केवल E1 R1। और फिर जॉकी जे को डिस्प्लेस किया गया, जॉकी जे को डिस्प्लेस करके बैलेंस कंडीशन लाया गया, लेट्स से द बैलेंस लेंथ इज L1, तो E1 की वैल्यू KL1 हो गई,
फिर इसके बाद अब क्या हो गया, स्विच S7 को ओपन कर दिया, ओपन करने से इस बैटरी का कोई काम नहीं रहा, S2 को बंद कर दिया गया, E2R2 हो गया, वही सेकंड केस। फिर से जॉकी जे को डिस्प्लेस किया गया, जॉकी जे को डिस्प्लेस करके नया बैलेंस कंडीशन लाया गया, लेट्स बैलेंस लेंथ इज L2, तो E2 के वैल्यू K × L2 हो गई, राइट, E1/E2 = L1/L2। इस तरह से तीन EMF ले लीजिए, तो E1:E2:E3 = L1:L2:L3, इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं एन नंबर ऑफ बैटरी का EMF का, और ये जो EMF की जो वैल्यू निकल रही है ये बिल्कुल एक्यूरेट से निकलेगी, जरा सा भी आपको जो है पोटेंशियोमीटर के थ्रू जरा सा भी आपको यहां पे एरर नहीं मिलेगा। वोल्ट मीटर में एरर मिल जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर हमारे पास आइडियल नहीं है, जितने भी वोल्ट मीटर उसके कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होते हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस या EMF ऑफ द बैटरी करेक्ट नहीं आ पाती है, बट इसके थ्रू बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आएगी, राइट। तो देखिए अब तक हमने ये बात तो कर लिया कि भाई कि EMF ऑफ द बैटरी कैसे निकालेंगे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कैसे निकाली जाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी थ्योरी लिखने के लिए भी आती है और साथ में इसके कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं। जब ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो उसके साथ में एप्लीकेशन भी सारे डिस्कस कर दूंगा, राइट, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कैसे बेसिकली यहाँ पे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो पोटेंशियोमीटर का वो प्रॉब्लम में अप्लाई किया जा सके। और NCERT में जो फिगर है वो यही है, आप देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है बट जब उसको ध्यान से देखेंगे तो यही फिगर है। तो NCERT का जो फिगर पोटेंशियोमीटर का है वो भी आप देख लेना या बुक आप निकाल करके साथ साथ समझ सकते हैं आप उसे, राइट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए बात को, अब हम लोग लेके आ रहे हैं भाई यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कैसे ये पोटेंशियोमीटर वायर बनेगा ना। तो पोटेंशियोमीटर वायर हमने बना दिया, अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के लिए हम लोग ये सर्किट बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यदि किसी बैटरी की इंटरनल, सपोज EMF E है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जो नोन होगा, ये वाला रेजिस्टेंस, और ये सर्किट हो गई, ये वही बिल्कुल जैसे पहले था, और ये वर्किंग बैटरी कहते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, सब कुछ वही वाली बात है। अब फिर से वही वाली बात करेंगे, जॉकी जे को जो है उसको आप डिस्प्लेस करेंगे बट स्विच S को भी ओपन रखेंगे, स्विच S को बंद नहीं करना है। यदि स्विच S ओपन है तो ये रेजिस्टेंस R रहे या ना रहे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम लोग एक नया सर्किट बना लेते हैं, बिल्कुल सेम सर्किट मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पे बिल्कुल सेम सर्किट मैं रिपीट कर देता हूं। स्विच S डिसकनेक्टेड है तो सिंपल सी बात है, यही बन गया जी, राइट, ये हो गया EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R। अब जॉकी J का एक पोजिशन लाया गया जिससे कि चूंकि स्विच S डिस्कनेक्टेड है इसलिए नीचे के रेजिस्टेंस को रहने ना दें, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिए यहां पे जॉकी जे को डिस्प्लेस करेंगे, बैलेंस कंडीशन लेके आएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये करंट I इधर से करंट I निकल जाएगा। अब फिर से वही वाली बात होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी भी चेंज नहीं करेगा, दैट विल मीन ऑलवेज के एट द टाइम ऑफ द बैलेंस कंडीशन, राइट। अब फिर वही रिपीट करेंगे तो EMF ऑफ द बैटरी E जो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस E के इक्वल, दैट E विल बी इक्वल टू, लेट्स से ये लेंथ L1 हो गया बैलेंस कंडीशन में जो मेजर कर लेंगे, तो E की वैल्यू आ गई आपकी K × L1, आई या नहीं आई बात समझ में आ गई, बातें कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल वही सेम बात है। अब अगली दफा क्या करना है कि ये पहले केस हो गया, अब स्विच S को कनेक्ट कर दीजिए, जब स्विच S को कनेक्ट कर देंगे तो अब हम लोग ऐसे इसको बना लेते हैं आफ्टर द कनेक्शन। अब दोबारा जॉकी जे को डिस्प्लेस कीजिएगा क्योंकि वो वाला बैलेंस कंडीशन अब नहीं रहेगा, L1 चेंज हो जाएगा। अब दोबारा आप जॉकी जे को डिस्प्लेस कीजिएगा और जॉकी जे को डिस्प्लेस करके एक नया बैलेंस कंडीशन लेके आइए और नए बैलेंस कंडीशन को लेके आइए जिससे कि फिर से गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना करे, तो नहीं करेगा तो ये करंट आई फिर ऐसे ही निकल जाएगा करंट आई ये वाला, क्योंकि यहां पे डिवीजन नहीं, यदि यहां डिवीजन हो गया तो डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर जाएगा और आई फिर से वही रहेगा जो ये वाला, इसका इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट लेंथ वही रहेगा जो अभी पहले था,
ऊपर का सर्किट एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन नीचे वाले सर्किट से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर विल गिव द नल डिफ्लेक्शन, इससे होके कोई भी करंट पास नहीं कर रही है एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन। लेट्स से दिस लेंथ इज L2, इसका मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस K × L2, और जो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कोई भी रेजिस्टेंस हो बट करंट पास नहीं कर रहा है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा। अब पॉइंट समझने वाली बात है, अब क्या होगा जी, करंट यहां से आई इस सर्किट में I1 दौड़ेगा, इसमें अलग करंट होगा, ये I1 दौड़ेगा, बट फिर से यहां पे कोई भी ये I1 का डिवीजन नहीं होगा, I1 नीचे वाले में यहां नीचे कोई भी सर्किट नहीं थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए इस बैटरी से कोई भी करंट नहीं निकल रही थी, कोई ड्रॉ नहीं हो रहा था, ना इससे गुजर रहा था, ना पास कर रहा था एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन। बट समझिए बात को, जब नीचे रेजिस्टेंस आर आ जाएगी तो इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर नीचे वाला, ये वाला सर्किट नीचे का और ऊपर का सर्किट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है बैलेंस कंडीशन में, और इस सर्किट के अंदर करंट होएगा, इसमें होएगा, जिसमें I1 की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो दिस I1 सिंपल सी बात है आ जाएगा E/R+R। I1 विल बी इक्वल टू E/R+R बाय अप्लाइंग द KVL E- I1R - I1 × r, that will be equal to 0। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं कि यदि इस केस में तो करंट इसके, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं पास कर रही, यहां पे करंट का डिवीजन नहीं होगा, यहां पे वैसे ही होगा, बट नीचे इसके नीचे एक सर्किट को भी लगा दीजिए, अब इसके अंदर करंट दौड़ेगा इस क्लोज लूप में, यहां तो नीचे कोई लूप ही नहीं था, क्लोज लूप यहां दौड़ेगा, बट यहां पर कोई भी करंट का डिवीजन नहीं होगा, फिर से ये वाला I1 इससे होगी पास नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ बैलेंस कंडीशन, तब तो बैलेंस कंडीशन ओबे ही नहीं करेगा, वैलिड ही नहीं रहेगा, क्योंकि बैलेंस कंडीशन का मतलब ही है कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना करे, तो ये करंट इसी के अंदर I1 चलता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ अचीव करा जाता है प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली थ्योरेटिकली अचीवेबल भी है, राइट। बात यहां पर यह है, तो I1 की वैल्यू आ गई जी, आप ध्यान सुनिए, इसका मतलब इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, I1 × R, दिस वन इज द, दिस I1 × R विल बी K × L2, I1 × R विल बी इक्वल टू K × L2, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इवन इनके क्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल रिमेन सेम, तो I1 × R विल बी इक्वल टू K × L2। तो ये वाली बात आ गई। अब इसी से हम लोग निकाल लेंगे इंटरवेशन ऑफ द बैटरी, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए आपको, ये I1 जो ये यहां प्लेस कीजिए, तो प्लेस कर देते हैं, तो कितना आएगा देखें, E × R / R विल बी इक्वल टू K × L2 आ गया जी। अब ये ई जो KL1 है यहां प्लेस कर दीजिए, राइट। अब मैं हटा देता हूं इसको, मैं यहां से हटा देता हूं, इसकी तो जरूरत है नहीं, देखिएगा ध्यान से। अब ये जो KL1 है यहां प्लेस कीजिए जी, तो जब मैं इसको KL1 को प्लेस करूंगा तो KL1 / R + R × R विल बी इक्वल टू K × L2, K कैंसल आउट, ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया आपका, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं, अब क्या देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं L1 × R / R + R विल बी इक्वल टू L2, एंड हेंस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, L1 × R विल बी इक्वल टू L2R + L2 × r, हेंस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, R विल कम आउट L1 − L2 × R / L2, दैट मीन्स इट विल कम आउट L1 / L2 − 1 × R। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, इसको इधर ले गए जी, तो L2 × R + L2 × r विल बी इक्वल टू L1R, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है, उसके बाद इंटरनेशनल ऑफ बैटरी आगे L1 / L2 − 1 × R, डायरेक्ट फॉर्मूला जो बहुत दफे यूज होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है। और ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, L1 हमेशा L2 से बड़ा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल तो पॉजिटिव होनी है, तो ये वाला लेंथ L1 दैट विल बी, पूछा भी जाता है कि भाई यदि इसके नीचे एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो उसके इसमें L1 की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, तो L1 बड़ा होगा और L2 छोटा हो जाएगा, मतलब ये लगने के बाद बैलेंस लेंथ जो है वो घट जाएगी।
तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में पूरा पोटेंशियोमीटर के बारे में समझा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैटरी कैसे निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ द बैटरी कैसे निकाली जाती है। अब इसी से रिलेटेड मैं आगे एप्लीकेशन आपको डिस्कस कर रहा हूं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और कनेक्शन करते वक्त सावधान रहिएगा, यदि ये इसका अपर पोलैरिटी है तो इसका भी यहां पर अपर पोलैरिटी होगा, तभी जाके बैलेंस कंडीशन अचीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तभी तो जाकर के इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यदि यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी यहां पे कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, तब ये काम ही नहीं करेगा पोटेंशियोमीटर, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस रीच ही नहीं कर सकता। फिर यदि अपर पॉइंट पे ये है तो ये भी अपर पॉइंट पे होना चाहिए, अपर पोटेंशियल पे होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। तो ऐसे कई सारी बातें हैं जो कि काफी काफी कंसेप्चुअल तरीके से पूछी जाती है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है आप लोगों को, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, इसको ध्यान में रखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अब एनसीईआरटी की जो बुक में जो फिगर बना हुआ है उस फिगर को आप लेकर के समझ लीजिए, राइट। वो यही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी उन्होंने यही किया, बस उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर करके बना रखा है। उस वायर को जो ऐसे ऐसे करके उसको सीधा वायर बना दीजिए, बात वही बनेगी। वहां पे कुछ की लगे हुए हैं, स्विचेज हैं, वो भी वही चीज है जैसे मैंने यहां पे करा है S1 S2 लेके, वैसे उन्होंने वहां पे करा हुआ है। तो समझिएगा बात को, उस फिगर को लेके समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जो एनसीईआरटी में के पेज में दे रखा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आई होगी, तो डेफिनेटली लेक्चर को लाइक कर दीजिए और लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताते रहिए ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नए प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट। ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं, फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन भी कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए, डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।